मेरा YouTube चैनल फैंटेसी एबीटी 11 पे आपका स्वागत है। आज मैं ड्रीम 11 में फ़ुटबॉल की टीम प्रोवाइड करूंगा, जो है यहाँ पर पे यूरो क्वालिफायर्स का मैच, जो है कजाकिस्तान वर्सेस फिनलैंड के बीच जो मैच है, मैं उसी का ही टीम प्रोवाइड करूंगा गाइस। तो मेरे साथ ये वीडियो लास्ट तक देखिए, मैं जो भी अपडेट दूंगा, जो भी सजेस्टेड प्लेयर के बारे में बोलूंगा, आप उसके हिसाब से आप खुद का भी टीम बना के जा सकते हो। तो गाइस यहाँ पर भी ये ग्रुप एच का मैच है और यहाँ पर पे अभी तक कजाकिस्तान ने 104 नंबर वर्ल्ड कप पे यहाँ पर से पॉइंट्स टेबल है और यहाँ पर से फिनलैंड का अभी तक यहाँ पर से 55 है। ये मैच खेला जाएगा यहाँ पर से अस्ताना पे, जो कजाकिस्तान का होम ग्राउंड है। अभी तक दोनों टीम दो मैच खेला है अपने सामने, तो दो ही मैच यहाँ पर से फिनलैंड ने जीता है। लास्ट मैच 2-1 से यहाँ पर फिनलैंड ने जीता था और यहाँ पर से अभी तक इंटरनेशनल मैचेस जो पिछले 5 मैच दोनों टीम ने खेला है, यहाँ पर पे 5 मैच खेला है, 2 मैच यहाँ पर से हारे हैं, 3 मैच जीता है और फिनलैंड यहाँ पर से सेम यहाँ पर से 2 मैच हारे हैं, 3 मैच जीता है। कजाकिस्तान अपने लास्ट मैच 1-0 से नॉर्थन आइलैंड के साथ जीता था और यहाँ पर पे फिनलैंड अपने लास्ट मैच 6-0 से सान मेरिनो के साथ जीता था। यहाँ पर पे ग्रुप एच पे अभी तक यहाँ पर से कजाकिस्तान 2 नंबर पॉइंट्स टेबल पे है, 4 मैच खेल के 3 मैच जीता है, 1 मैच हारा है, उनके पास 9 पॉइंट्स है। और यहाँ पर पे ग्रुप एच पे अभी तक एक नंबर पॉइंट्स टेबल पे है, यहाँ पर पे 4 मैच खेल के 3 मैच जीता है, 1 मैच हारा है, उनके पास यहाँ पर पे 9 पॉइंट्स है। यहाँ पर से गोलकीपर ऑप्शन पे 2 चॉइस आज का मैच स्टार्ट करेंगे, एक है हेडरिस की और एक है सेट्स की। मैं यहाँ पर से हेडरिस की को मेरे टीम में पिक करूँगा, आप चाहते हैं तो यहाँ पर से आप सेट्स की को ले सकते हो। यहाँ पर पे डिफेंडर ऑप्शन पे काफ़ी अच्छा चॉइस यहाँ पर से रह सकता है, जैसे कि यहाँ पर पे आलिप एक अच्छा चॉइस रहेगा, यहाँ पर पे इवानोफ एक अच्छा चॉइस रहेगा और एक यहाँ पर से अलहो को मेरे टीम में पिक करूँगा। यहाँ पर से जेनसन और मलोई को अपनी टीम पे ले सकते हो। मिडफील्डर ऑप्शन पे यहाँ पर पे आंटमैन एक अच्छा चॉइस रहेगा, क्योंकि ये आंटमैन जो 2 गोल अपनी टीम के लिए मार चुका है, कमारा ने 1 गोल मारा है, तागी बर्गन ने 2 गोल मारा है, तो यहाँ पर से वोरोस्की ने 1 गोल मारा है, तो ये खिलाड़ी को मेरे टीम में पिक कर लेंगे। यहाँ पर से वोरोविस्की को, कमारा को और उसके बाद यहाँ पर से टर्गिवेरियन को मेरे टीम में पिक करके लेंगे। यहाँ पर से स्ट्राइकर के जो ऑप्शन रहेगा, कालमन अभी तक यहाँ पर से 2 गोल मारे हैं, यहाँ पर से पुक्की ने 2 गोल मारे हैं, यहाँ पर से पोजन पालो ने 1 गोल मारे हैं अभी तक पूरा सीजन पे, तो यहाँ पर से कालमन को पिक करूँगा, यहाँ पर से पुक्की को पिक करूँगा और यहाँ पर पे चॉइस आएगा यहाँ पर से अम्बेटॉप को पिक करूँगा। यहाँ पर से चॉइस आएगा पोजन पालो को अपनी टीम पर ले सकते हो, यहाँ पर से जैनोविडोव को अपनी टीम पे ले सकते हो। तो ये रहेगा अभी तक मेरा टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन का जो सेक्शन आएगा, पुक्की अच्छा चॉइस रहेगा, इवानोव अच्छा चॉइस रहेगा, यहाँ पर से टैग्रीवेकन अच्छा चॉइस रहेगा और आंटमान अच्छा चॉइस रहेगा, कालमैन भी अच्छा चॉइस आ सकता है। तो यहाँ पर से कैप्टन के जो ऑप्शन, यहाँ पर से मैं पिक करूँगा, यहाँ पर से पुक्की को मेरे टीम में कैप्टन पिक करूँगा और यहाँ पर पे टैग वैरन को मेरे टीम में वाइस कैप्टन पिक करूँगा। ये रहेगा अभी तक मेरा टीम। मैं फाइनल टीम अपडेट कर दूँगा मेरा टेलीग्राम चैनल पे, जो डिस्क्रिप्शन पर कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गाइस। ऑल द बेस्ट आज के मैच के लिए, अब हेड टू हेड के लिए, स्मॉल लीग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विन करें और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कुछ जानने के लिए ज़रूर कॉमेंट कीजिए, मैं कॉमेंट का रिप्लाई दूँगा। ऑल द बेस्ट गाइस आज के मैच के लिए, बाय बाय।